Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक जजीरा था जहां का सियासी नज्म ये था कि वो साल की आखिरी तारीख को जो उनका हक में वक्त होता उसको माजूल करते और एक ऐसी जगह छोड़ देते जहां जंगल था और जानवरों का रेन बसेरा था और साहल पे आ जाते। पहला शख्स जो उतरता साहल पे उसको अपना हुक्मरान मान लेते और ये उनका एक मुद्दत से दस्तूर रहा। जो भी तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि साल के बाद मेरे साथ ये क्या करेंगे और बिला तामुल वो एजाज़ो तकरीम और वक़ार के साथ मस्दन नशीन हो जाता और ऐशो इशरत करता। एक दफ़ा वो अपना हुक्मरान जंगल के सुपुर्द करने के बाद साहल पे आए तो जो सबसे पहला शख्स उनकी धरती पर उनके जजीरे पे उतरा वो बड़ा दाना बीना शख्स था और पेशे के एतबार से ताजर था। तो इन्होंने उसे कहा कि तुम आज के बाद हमारे हुक्मरान हो। उसने कहा मैं तो ताजराना गरज से आया हूँ, मैं तो उसूल सल्तनत को उमूर हुकूमत को जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये हमारा दस्तूर है और सारी कहानी सुनाई कि हम साल भर तख्त पे बिठाए रखते हैं, साल की आखिरी तारीख को वहाँ से उठाते हैं और दूसरी जानब एक जंगल है जहाँ हम उसको फेंक आते हैं। तो ये हमारा ज़ाबिता है, तुम नहीं भी मानोगे तो हम ज़बरदस्ती तख्त पे बांध के भी बिठाना पड़ा तुझे बिठाएंगे। तो जब वो मुसिर हुए तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि साल भर मेरी बात मानने के लिए तो आमादा होगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम साल भर आपकी बात मानने के लिए आमादा होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। होता यह था जो तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि साल की आखिरी तारीख को मेरे साथ क्या होने वाला है। ये पहला शख्स था, तख्त नशीन होते ही इसने कहा कि बल्दिया के मुलाजमीन बुलाए जाएं। बुलाए गए। कहा फौज के कमांडोज भी बुलाए जाएं। वो भी बुलाए गए। इसने उनको कहा कि तुम जाओ जंगल में जहां बादशाहों को फेंक के आते हो और वहां के मूजी जानवरों को काट दो। बल्दिया के मुलाजमीन को कहा कि तुम इनके पीछे जाओ और कांटेदार झाड़ियां काटो। वहां मेमारों का एक ग्रोह भेजा कि वहां जा खूबसूरत महल तामीर करो, वहां फलदार फूलदार सायादार दरख्त लगवाने शुरू कर दिए और पूरा साल उस जंगल को कटवाने, उसके मूजी जानवर कत्ल करवाने, वहां महल तामीर करवाने, फलदार फूलदार समरबार दरख्त लगाने में हुकूमती मशीनरी को लगाए रखा। जब साल की आखिरी तारीख हुई तो होता यह था कि जब भी बादशाह के पास वो आते कि अब तो जो उस जंगल में फेंकने जा रहे हैं तो वो चीखता रोता, हाय मुझे किधर जा रहे हो, मैं तो मूजी जानवरों का लुकमा बन जाऊंगा, और उसको जंजीरों में जकड़ के उस जंगल में फेंक के आते। वो कहते हमने पहले दिन आपको बताया था। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसको कहा कि हम तुम्हें वहाँ फेंकने जाएंगे। तो इसने कहा कि जंजीरों की क्या ज़रूरत है, मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ। रूमी कहते हैं कि ये यहाँ बैठ के तख्त पे उस फिक्र में लगा रहा जहाँ इसने जाना था और इसको पता था कि यहाँ तो एक साल भर के लिए आया हूँ, तो मैंने तो फिर बकिया सारी ज़िंदगी उस जंगल में काटनी है और वहाँ बिच्छू हैं, वहाँ सांप है, वहाँ मूजी जानवर हैं, वहाँ भेड़िए हैं, चीरने फाड़ने वाले दरिंदे हैं, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ वो झाड़ियाँ कटवाता रहा और ऐसे जानवर मरवाता रहा और वहाँ कुएँ खदवाए, वहाँ फलदार फूलदार दरख्त लगवाए, वहाँ महल तामीर करवाया। तो इसने खुशी से कहा मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं तो चल के उस जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि अब वो जंगल और खौफनाक झाड़ियाँ नहीं रहीं बल्कि वो एक खूबसूरत बाग बन चुका है और वहाँ मूजी जानवर नहीं रहे, वहाँ परिंदे चहचहा रहे हैं, कोयलों की दिल आवेश सदाएँ हैं, वहाँ बुलबुलों के चहचहे हैं, तो मैं तो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे ही बादशाह की तलाश में थे कि जो मुस्तकबल की बेहतरी का जामिन बने। तो कहा कि जनाब आज से हम अपना कानून बदलते हैं, आप तख्त पे ही रहिए,
جس طرح جہاں جانا تھا وہاں کے لیے آپ نے پورا سال محنت کی اور اس کو گلزار بنا دیا، تو آپ تخت پہ بیٹھیے اور آج کے بعد آپ ہمارے مستقل حکمران ہیں اور اس ملک کو گلزار بنا دیجئے۔ رومی فرماتے ہیں جس طرح وہ شخص تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو فکر وہاں کی لگی رہی جہاں اس نے مستقل جا کے رہنا تھا، کہا کافر دنیا کے تخت پہ عیش و عشرت کرتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے بالآخر کہاں جانا ہے، فاسق اور فاجر بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن صالح مومن اس دنیا پر آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کا سارا خیال اس کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہاں بیٹھ کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے قبر کے سانپ کاٹتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے وہاں کے بچھو ختم کرتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.